जगवत्सल जग चिंतामणि जगत गुरु हे जगना स्वामी जग बंधव जग राखण हारा त्रिलोकना हे तारण हारा जिने राज नो भक्ति। प्रणाम। जरा सोचिए हम जैन हैं, कई सारी चीजें हैं जो हम धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं, व्याख्यानों में सुनते हैं, हम बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे हमारे नलों में, हम घर के अंदर जो नल होते हैं उसके अंदर हम थैलियां बांधते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हैं जो हमें बताई गई हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम मॉडर्नाइजेशन के नाम के अंतर्गत अपने आप को पापों के भंडार में धकेल तो नहीं रहे? हम पाप का अंबार तो नहीं खड़ा कर रहे हैं? हम बात तो मोक्ष में जाने की कर रहे हैं, लेकिन क्या हम नर्क की तरफ या हम अपनी मानसिकता को बिगाड़ने की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? हाँ, मॉडर्नाइजेशन अच्छा होता है मैनकाइंड के लिए, सभी लोगों के लिए, लेकिन फिर भी सोचिए कि आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज सामने आ गई, आज बहुत सारी समस्याएं सामने आई क्योंकि हम मॉडर्न हो रहे हैं। आज का विषय है वॉशिंग मशीन। बहुत छोटा सा विषय मैंने लिया है जिस पर कभी किसी ने गहन विचार नहीं किया होगा, फिर भी मैं करना चाहता हूँ। हम जैन, हम अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय वगैरह वगैरह इंद्रिय बेइंद्रिय जीवों की रक्षा करने की कसम खाते हैं, और एटलीस्ट मिनिमल हिंसा, मतलब जो हम जितने जीवों को बचा सके उसकी हम बहुत कोशिश करते हैं। आज का दौर है, बिना वॉशिंग मशीन तो किसी का घर नहीं होगा। आम से आम इंसान हो, सबसे गरीब होगा, लेकिन उसके घर पे वॉशिंग मशीन होना लाजमी है या जरूर होगा। ये वॉशिंग मशीन से क्या होता है, वॉशिंग मशीन और धर्म का क्या संबंध है? हाँ, मैं कोई सलाह देने नहीं आया हूँ कि वॉशिंग मशीन मत इस्तेमाल कीजिए, या ये कोई अल्ट्रा जैन लोग तो ऐसे ही होते हैं, नहीं। मैं बहुत सिंपल चीज सिर्फ सोचने के लिए आपको मैं मजबूर कर सकूं कि हम क्या कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन, आज से करीब 50 साल पहले का दौर था। हमारी दादियां नदियों से पानी, मतलब अगर शहर की बात ना करें, अगर गांव की बात करें, तो नदियों से पानी लाती थी, उसमें से नहाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह हो जाता था। 3-4-5-6-7 मटके भर के पानी होता था, और उसमें सारा का सारा खाना बनाने से लेके सारा का सारा हमारा जो पानी का व्यय है वो खत्म हो जाता था। कपड़े हम कम से कम पहना करते थे, हमें किसी की शादी में फटे हुए कपड़े नहीं पहनने आते थे, ऐसा नहीं है, रफू करके हम कपड़े पहन सकते थे, और लोग एक ही कपड़ों को बार बार अलग अलग प्रसंगों पर पहन लेते थे बिना किसी झिझक या शर्म के। फैशन इंडस्ट्री को इतनी बूम नहीं मिलती थी, लेकिन जो जीव रक्षा होती थी वो बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हम बहुत खुश हैं। आज की गृहिणी और जो भी लोग, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करता है, उसकी सहूलियत बहुत बढ़ गई है, उसके पास काफी समय बचता है, और उस बचे हुए समय से भी हम क्या क्या करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। बात नंबर दो, इसी वॉशिंग मशीन के चलते हमने ज्यादा कपड़े इस्तेमाल करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ज्यादा कपड़े इस्तेमाल करो, ज्यादा कपड़े पहनो, ज्यादा कपड़े मैले करो, और धोने की सुविधा तो है, पर क्या ये विचार आया कि इस वॉशिंग मशीन के चलते पानी का व्यय, हमारा पानी की एक बूंद, उसमें 36,000 जीव है ऐसा माना गया, हमारे वितराग परमात्मा या केवल ज्ञानी भगवंत कहकर गए। पानी इटसेल्फ इज एक इंद्रिय जीव, उसके अंदर पनपने वाले 36,000 जीव एक बूंद में। अब आप सोचिए कि हम एक वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके कितने जीवों का एक साथ खात्मा कर देते हैं, और हमें जरा सी गिल्ट, जरा सी शिकन महसूस नहीं होती, जरा सी शर्म नहीं आती, हम इस दौर पे पहुंच चुके हैं। क्या मैं इतना छोटा सा एक आपको अर्ज कर सकता हूं, एक विनती कर सकता हूं कि कपड़े बदलने की जरूरत ना हो तो कपड़े ना बदलें, घर पे साफ सुथरा अगर हाथ से कुछ चीज धो के क्लीन कर सके, कम पानी में कर सके तो कीजिए, जिस चीज को साबुन से रगड़ रगड़ने की जरूरत ना हो, ऐसे कपड़ों को हम हाथ से रगड़ कर, छोटे मोटे कपड़े हैं, हाथ से रगड़ कर पानी में निचोड़ कर निकाल सकते हैं, ये भी हो सकता है। कितना पानी वेस्ट, इससे 2-3 समस्याओं का निराकरण हो सकता है। एक, हम जैन हैं, हम पानी के अंदर जीवों के पनपने को मान चुके हैं, और हम चाहेंगे कि उन जीवों की रक्षा हो।
जितनी हो सके। दूसरा, अगर हम एनवायरमेंटली सोचे तो आज पानी की किल्लत से कोई अपरिचित नहीं है। सारे के सारे लोग जानते हैं कि पानी की समस्या हर जगह पे आ रही है। ये पानी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वॉशिंग मशीन में कितना पानी जाता है, और हम बेफिक्र होके कपड़े लिए जाते हैं। क्यों भाई? हमारे पास 3-4-5 जोड़ी कपड़े, अगर कपड़ा फट गया, अभी क्या हुआ है, किसी की शादी या किसी के बर्थडे या किसी पार्टी में हम फटा कपड़ा डान किया हुआ, डान इज इंग्लिश ऑफ रफू, रफू किया हुआ कपड़ा क्यों नहीं पहन सकते? वो पहनेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। हम ये भूल चुके हैं आज के दिन में कि कपड़े हमारे शरीर को ढकने के लिए बने गए थे, अपने अच्छे पहनावे को दिखाने के लिए नहीं। चलो दिखावा करते भी हैं हम, प्रदर्शन करते हैं, तो हम किस लेवल के प्रदर्शन पर पहुंचे? दिन में 5-5 बार कपड़े, सुबह उठने के कपड़े अलग, ब्रेकफास्ट के अलग, ऑफिस में जाने के अलग, घर पे टाइम पास करने के अलग, रात को सोने के अलग। होना चाहिए, वास्तु कहता है कि रात को सोने के कपड़े अलग करो, लेकिन ठीक है, कितने कपड़े, वो कैसे कपड़े होने चाहिए? मिनिमल जो आप रात को पहनते वो कपड़े कम से कम 5-7 साल तक चलने चाहिए, वो बदले नहीं होने चाहिए, लेकिन वो फेड हो जाते हैं, हम फेंक देते हैं। रात को सोने वाले कपड़े आपको किसको दिखाने हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चिंताजनक बातें हैं जो जैनिज्म में फैल रही हैं। क्या आप जैन हैं सही मायनों में, और क्या आप इस चीज का प्रदर्शन कर सकते हैं कि हम जैन हैं? मैं चाहूंगा कि इस चीज का प्रदर्शन हम अन्य धर्मियों के सामने भी करें, ताकि हम पानी को बचा सके। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है, पूरा वर्ल्ड उसके पीछे पड़ा हुआ है कि पानी बचाया जाए। क्या हम जैन, जिसकी ये फिलोसॉफी हजारों करोड़ों साल पुरानी है, उसका इस्तेमाल करके हम ये वर्ल्ड को दिखा सकते हैं, यूएन को दिखा सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस जिसने बीड़ा उठाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का, उनको दिखा सकते हैं कि हम कितना पानी बचाते हैं? वैसे भी तो वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते वक्त हजार बार सोचिएगा कि क्या ये कपड़े धोने जरूरी है इस तरीके से इतनी बार, क्या एक ही कपड़ों का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, क्या हमारे वार्डरोब्स में इतने सारे कपड़े जरूरी है। मैं अनहाइजीनिक होने के लिए नहीं कह रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं कि हम जैन हैं। जरा सोचिए, आपका अपना बंधु निखिल पटनी,